हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में बात करेंगे फ्री फायर मैक्स में डेली अपडेट प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें आपको डेली 25.64 एमबी का डेली अपडेट प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एंड ये जो अपडेट प्रॉब्लम है, ये आपको डेली आपको गेम के अंदर आता होगा। जब आप दिन भर में पहली बार गेम को ओपन करते होगे, तब आपको यहाँ पे डेली 25 एमबी का अपडेट देखने को मिलता है। एंड ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको तभी देखने को मिलता होगा अगर आपका मोबाइल रियलमी एंड ओप्पो का होगा। अगर आपका रियलमी एंड ओप्पो का फ़ोन है, अगर आप उसमें गेम खेलते हो, तब आपको डेली 25 एमबी का अपडेट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपको ये डेली अपडेट प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रहा है एंड कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताता हूँ क्यों आपको गेम के अंदर डेली अपडेट प्रॉब्लम आता है, क्यों आपको रियलमी एंड ओप्पो के मोबाइल में डेली अपडेट प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब आप अपने फ़ोन में एक्सपेंशन पैक डाउनलोड करते हो या गेम को अपडेट करते हो, उसका एक डेटा फाइल बन जाता है। एंड रियलमी एंड ओप्पो के मोबाइल में होता है क्या है कि आप चाहे अपने फ़ोन को क्लीन करो या ना करो, फिर भी आपका फ़ोन ऑटोमेटिक क्लीन होता रहता है, क्योंकि जो आपका फ़ोन का क्लीनर ऐप है उसमें कुछ सेटिंग ऑन रहता है, जिसकी वजह से फ़ोन ऑटोमेटिक क्लीन होता रहता है। एंड क्लीन होते वक्त जो फ्री फायर का डेटा फाइल रहता है डिलीट हो जाता है, जिसके बाद आपको गेम के अंदर डेली अपडेट प्रॉब्लम आता है। तब आपको क्या करना है कि आपको क्लीनर में जाकर उस सेटिंग को ऑफ कर देना है, जिससे आपका ये डेली अपडेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कौन सा सेटिंग है जिसे अगर आप ऑफ कर दोगे, तब आपको जो गेम के अंदर डेली अपडेट प्रॉब्लम आ रहा है ये आपका नहीं आएगा। तब आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन के क्लीनर ऐप को ओपन कर देना। आप ये जो क्लीनर ऐप देख रहे हो, ये रियलमी एंड ओप्पो का फ़ोन में होता है, फ़ोन मैनेजर नाम का, इसे आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको ऊपर में इस साइड टू डॉट दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टू डॉट क्लिक करोगे, उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर सेटिंग एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको फर्स्ट में एक सेल्फ चेक का नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एवरी डे पे सेट होगा, इसे आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही आप ऑफ कर दोगे, उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर ऑटो स्टोरेज क्लीनअप का एक ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ये भी एवरी डे पे सेट होगा, इसे भी आपको नेवर कर देना है। जब आप ये दो सेटिंग को ऑफ एंड नेवर पर कर दोगे, उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक क्लीन नहीं होगा एंड ना ही आपका फ्री फायर मैक्स का डेटा फाइल डिलीट होगा ऑटोमेटिक क्लीन होते वक्त। तो इस प्रकार से आप लोग डेली अपडेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आप भी जाइए क्लीनर ऐप में जाके ये दो सेटिंग को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आपका जो डेली अपडेट प्रॉब्लम है ये आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।